हेलो सर, मैंने भेजा है। और दोस्तों, आज ना हमारे पास में एक नहीं दो लेटेस्ट तड़कते भड़कते लैपटॉप्स है, जहाँ पे हमारे पास में है HP Spectre X360 2024 एडिशन एंड HP Envy X360 अगेन 2024 एडिशन। दोनों ही लैपटॉप्स दोस्तों इंटेल के लेटेस्ट कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर के साथ में आते हैं, जहाँ पे इंटेल का आर्क ग्राफिक भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। दोनों के ही रिव्यू मैंने अपने चैनल पे लाइव करे हुए हैं, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पर निकल के आ रहा है कि भाई मेरी ऑडियंस बोल रही है कि HP Envy लें या फिर HP Spectre लें, बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है। जहाँ पे HP Spectre अराउंड 1,65,000 का जाता है, Envy सेम स्पेक्स आपको लगभग 1,10,000 के अंदर निकाल के दे देता है। दूसरा बड़ा रीजन कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये कि भाई HP Envy एंड Spectre दोनों ही सीरीज अगले साल बंद हो सकती है। ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए भी। HP यहाँ पे प्लान कर रहा है कि भाई Omnibook सीरीज को वापस लेके आया जाए, जहाँ पे Omnibook, Omnibook 2, Omnibook 4 एंड Omnibook 6 HP लॉन्च करेगा, जहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर रहेगा वो सबसे ज्यादा प्रीमियम वाले लैपटॉप को दर्शाएगा। फॉर एग्जांपल स्पेक्टर सेम डिजाइन Omnibook लेके आएगा, यहाँ पर Omnibook 6 कहलाएगा। तो इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं। एंड यहाँ पे Qualcomm के प्रोसेसर्स भी ये लोग लेके आ रहे हैं ऑन द HP Omnibook सीरीज। तो Omnibook 6Q अगर होगा तो वो Qualcomm के प्रोसेसर के साथ में होगा, Omnibook 6i अगर होगा तो वो Intel के प्रोसेसर के साथ में होगा। तो ये नेमिंग ये लोग चेंज कर रहे हैं और बहुत कुछ नया तड़कता भड़कता आने वाला है टेक वर्ल्ड में, जिसके लिए दोस्तों वीडियो में तो एकदम एंड तक बने ही रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको तो लेटेस्ट वीडियोस जल्दी मिलती है, हमें बहुत सपोर्ट हो जाता है। वीडियो में भरते हैं आगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले उस डिजाइन के बारे में बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस है HP Spectre और HP Envy में। यहाँ पे Spectre अपने साथ में जैम कट वाली डिजाइन लेके आ जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे HP ने पोर्ट्स भी डाल के रखे हुए हैं, जो कि इसको यूजेबल तो बना ही देता है, लुक वाइज भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। वैसे दोनों ही लैपटॉप्स के वेट एंड डायमेंशन की अगर बात करें तो दोनों ही 1.44 किलोग्राम के वेट अपने साथ में लेके आते हैं और दोनों ही 16.9 मिलीमीटर की थिकनेस भी लेके आते हैं। लेकिन जो Spectre है वो अपने साथ में बड़ी 14.2 इंचेस की डिस्प्ले लेके आता है, कंपेयर टू द 14 इंचेस डिस्प्ले ऑन द HP Envy। तो कंपैरेटिवली मैं बोलूंगा कि ज्यादा लाइट वेट फील करता है, ज्यादा स्लिम भी फील करता है, बिकॉज थोड़े से राउंडेड एजेस देके रखे हुए हैं ऑन द HP Spectre। HP Envy ऑन द अदर हैंड यहाँ पे HDMI पोर्ट अपने साथ में लेके आ जाता है, विच इज मिसिंग ऑन द HP Spectre। HP Spectre यहाँ पे भाई दो फैंस लेके आता है कंपेयर टू वन फैन ऑन HP Envy। और भाई जो मेन डिफरेंस, जो कि मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगा डिजाइन में, वो ये कि HP Spectre जो है कीबोर्ड के राइट एंड लेफ्ट साइड में अपने साथ में स्पीकर्स लेके आता है, विच इज पावर्ड बाय पॉली स्टूडियो। फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं, तो ऑडियो एक्सपीरियंस मतलब काफी ज्यादा इमर्सिव निकल के आ रहा है इसके स्पीकर्स के साथ में। आगे स्पीकर वाले पार्ट में मैं आपको सुनाऊंगा भी कि कैसे साउंड करते हैं दोनों ही लैपटॉप्स के स्पीकर्स। और ये इसलिए भी क्योंकि HP Spectre अपने साथ में क्वाड स्पीकर लेके आता है, तो Envy में जहां पे नीचे की तरफ हमें दो स्पीकर्स मिलते हैं, Spectre में फ्रंट में तो दो है ही है, लेकिन नीचे भी दो देके रखे हुए हैं, दैट टू ऑन द वेरी कॉर्नर साइड ऑफ द लैपटॉप, जो कि आप यहां देख सकते हो नीचे इस तरफ लोकेटेड है इसके स्पीकर्स। उसके अलावा दोस्तों एक और डिफरेंस बड़ा निकल के आ रहा है कलर का। HP Envy का जो कलर है वो यहाँ पे इतना ज्यादा यूनिक और प्रीमियम नहीं लगता है कंपेयर टू द HP Spectre। यहाँ पे नाइटफॉल ब्लैक अलग ही एकदम चार्म डाल देता है इसकी डिजाइन के साथ में। उसके अलावा जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी बेटर है ऑन द HP Spectre, जहां पे बेजल्स हैं वो कम निकल के आएंगे कंपेयर टू द HP Envy लैपटॉप। फिर यहाँ पे जो कीबोर्ड है उसका टाइपिंग एक्सपीरियंस ऑन द HP Spectre काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। आप कीज का फीडबैक सुन सकते हो, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है जो कि मैंने किसी भी विंडोज लैपटॉप में आज तक टेस्ट करा है। इससे पहले मुझे डेल XPS के कीबोर्ड्स काफी अच्छे लगते थे, लेकिन ये वाला भाई मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। विदाउट एरर मैं इस वाले कीबोर्ड पे टाइप कर पाता हूँ। HP Envy का भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मतलब ये सारी चीजें खराब निकल के आ रही है, लेकिन कंपेरेटिवली बेटर निकल के आ रही है ऑन द HP Spectre। एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी, HP Spectre भी AI वाला PC है, लेटेस्ट 14 जनरेशन मतलब इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर भाई कोपायलट की नहीं देके रखी हुई है, जो कि HP Envy में प्रेजेंट है। और ये जो ब्रांड्स है ना, ये जो एक्सपेरिमेंटल फीचर्स हैं, जैसे कि कंट्रोल की हटा के यहाँ पे कोपायलट की दी हुई है, ये प्रीमियम सेगमेंट के लैपटॉप्स में बाद में लेके आते हैं एंड मिड रेंज और एंट्री लेवल लैपटॉप्स में पहले लेके आते हैं, बिकॉज़ Spectre यहाँ पे प्रीमियम रेंज में बिलोंग करता है। HP Spectre में अभी भी कोपायलट की नहीं है, विच इज प्रेजेंट ऑन द HP Envy। एक और बड़ा डिफरेंस इस साल यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, लास्ट ईयर तक Spectre लेफ्ट एंड राइट क्लिक वाले ट्रैकपैड के साथ में आता था सेम लाइक द HP Envy। इस बार भाई बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया गया है, जहां पे लिटरली मेरे पूरे हाथ के साइज का ट्रैकपैड दे के रखा हुआ है,
उसके अलावा दोस्तों हैप्टिक फीडबैक वाला ट्रैकपैड इस बार एचपी ने प्रोवाइड कराया है विद द एचपी स्पेक्टर। बहुत ही अमेजिंग सी फील आ रही है, सेम लाइक मैकबुक वाला ट्रैकपैड है ये। और भाई जो लेफ्ट एंड राइट क्लिक करते थे हम, वो अभी नहीं करना पड़ेगा, सिंगल फिंगर क्लिक एंड डबल फिंगर क्लिक के साथ में इसके ट्रैकपैड को यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि जो एचपी स्पेक्टर है उसके साथ में हमें ज्यादा अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रहा है, मतलब बेजल्स कम मिल रहे हैं। एक और बड़ा डिफरेंस दोस्तों स्क्रीन में ये निकल के आ रहा है कि जो एनवी है उसके साथ में हमें 60 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि एचपी स्पेक्टर के साथ में हमें बहुत ज्यादा स्मूथ 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। एनवी का जो वर्जन मेरे पास में है वो है भाई फुल एचडी प्लस वाले स्क्रीन के साथ में, विच इज अ IPS स्क्रीन। एचपी स्पेक्टर पता है ओलेड स्क्रीन के साथ में तो आता ही है, ये वाली 2.8K रिजोल्यूशन के साथ में आती है, विच यू कैन से इज अ क्वाड एचडी प्लस रिजोल्यूशन। तो भाई डिस्प्ले के मामले में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप निकल के आ रहा है एचपी स्पेक्टर। ये भी एक बड़ा डिफरेंस मैं बोलूंगा बिटवीन बोथ द लैपटॉप, जहां पे sRGB ऑन द एचपी एनवी 62.5% का है, स्पेक्टर में 100% का sRGB देके रखा हुआ है। तो कलर ग्रेडिंग वगैरह जो भी आपको करनी होगी स्पेक्टर की डिस्प्ले में आप बेटर कर पाओगे कंपेयर टू द एचपी एनवी। अब ये सारी चीजें दोस्तों मैं डिफरेंस बता रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकल के आ रहा है कि जो एचपी एनवी है उसकी डिस्प्ले या उसकी डिजाइन खराब निकल के आ रही है, स्पेक्टर की बेटर निकल के आ रही है बिकॉज यू आर पेइंग एक्स्ट्रा। तो इससे और ज्यादा एक्स्ट्रा पे करोगे तो मे बी एचपी और कुछ आपको अच्छा देने लग जाएगा। फिलहाल के लिए तो स्पेक्टर जो है उसकी सबसे ऊपर वाली सीरीज है, तो यहाँ पे हमें लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चीजें नजर आ रही हैं सारी चीजों में। परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों बात करते हैं, तो एचपी स्पेक्टर का जो वर्जन मेरे पास में है वो 16GB रैम के साथ में है। मैंने इसको दुबई से परचेस करा है लगभग 1,20,000 रुपीज का फ्रॉम कंप्यूटर सर्कल दुबई, जो कि अरेन सेंटर बरदुबई में लोकेटेड है। इंडिया से अगर आप परचेस करते हो जो कि 1,65,000 का है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा। एचपी एनवी का जो करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 1,06,000 के आसपास का चल रहा है, और स्पेक्टर का 1,65,000 के आसपास का चल रहा है। लेकिन स्पेक्टर में आपको 32GB की रैम मिलती है, एनवी में 16GB की रैम मिलती है, स्पेक्टर में 1TB की जेन 4 SSD मिलती है हमें, विच इज फास्टर कंपेयर टू द एचपी एनवी। इसमें भी जेन 4 है लेकिन थोड़ी सी स्लो निकल के आ रही है कंपेयर टू द एचपी स्पेक्टर। 512GB की स्टोरेज है ऑन द एचपी एनवी, और प्रोसेसर दोनों का ही सेम है, तो जो परफॉर्मेंस है मोर और लेस सिमिलर निकल के आएगी बिटवीन बोथ द लैपटॉप, बिकॉज प्रोसेसर जो होता है वो मेन कॉम्पोनेंट होता है किसी भी लैपटॉप की परफॉर्मेंस के लिए, जो कि जिम्मेदार होता है। लेकिन जो ग्राफिक की परफॉर्मेंस है वो मच बेटर है ऑन द एचपी स्पेक्टर, बिकॉज भाई यहाँ पर इंटेल का आर्क ग्राफिक देके रखा हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों का, मैं बोलता हूँ कि जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना यूट्यूब पे, मैंने इतना बड़ा अपग्रेड नहीं देखा। ये भाई इंटेल आयरिस एक्स की ग्राफिक जो कि 15,000 स्कोर करता था ऑन गीकबेंच, ये वाला 35,000-40,000 के आसपास करता है स्कोर, जो कि ऑलमोस्ट 3 times वाला जंप हो गया ऑन परफॉर्मेंस। मैंने इसके साथ में वीडियो एडिटिंग करके देखी भाई, 2 मिनट के अंदर अंदर ये 12 मिनट की वीडियो एक्सपोर्ट कर देता है। तो ग्राफिक साइड स्पेक्टर का मच बेटर निकल के आ रहा है इस साल एटलीस्ट compared to the HP Envy, because Envy में Intel graphic मिलते हैं अभी तक जो base वाला version है, और जो Spectre है उसमें Intel Arc graphic मिलते हैं। दोनों ही में RAM काफी अच्छी है और DDR5 RAM है, लेकिन जो frequency है RAM की वो much better है on the HP Spectre। तो ये सारी चीजें मिला के performance भी better निकाल के दे रही है ऑन द स्पेक्टर। फिर यहाँ पे बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही लैपटॉप्स यहाँ पे इंटेल ईवो सर्टिफाइड हैं, लेकिन स्पेक्टर में 66 Wh की बैटरी देके रखी हुई है, एनवी में 59 Wh की बैटरी है। दोनों ही लैपटॉप्स यहाँ पे 65 W के चार्जर के साथ में आते हैं और चार्ज भी काफी ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, लेकिन स्पेक्टर जो है बिल्कुल थोड़ी सी बैटरी लाइफ बेटर निकाल के दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि कम पावर कंज्यूम करती है कंपेयर टू द एचपी एनवी। जो बड़ा डिफरेंस यहाँ पे एक और निकल के आ रहा है वो है कैमरा में दोस्तों। एनवी यहाँ पे 5 MP के फुल एचडी वेबकैम के साथ में आता है, स्पेक्टर 9 MP की वेबकैम के साथ में आता है। एंड जो स्पेक्टर के अंदर वेबकैम है ना, वो बेस्ट वेबकैम है जो कि मैंने आज तक किसी भी विंडोज लैपटॉप में यूज करा है। मैक के साथ में इसको साइड बाय साइड एक बार मैं कंपेयर करके जरूर देखूंगा, लेकिन विंडोज लैपटॉप में तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ ये बेस्ट लैपटॉप है। AI को बहुत ज्यादा काम में ले रहा है टू गेट द बेस्ट इमेज रिजल्ट्स। फिर उसमें मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्पीकर्स में क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है, तो स्पीकर्स यहाँ पे आप सुन सकते हो किसका बेटर निकल के आ रहा है। I'm gonna dance.
ऑब्वियसली दोस्तों हमें मालूम ही था कि स्पेक्टर का जो स्पीकर है काफी ज्यादा बेटर निकल के आएगा कंपेयर टू द एनवी। सॉफ्टवेयर साइड में वैसे दोनों ही लैपटॉप्स यहाँ पे सेम सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, विंडोज 11 होम एंड एमएस ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 वर्जन फॉर लाइफ टाइम दोनों ही लैपटॉप्स में प्री इंस्टॉल्ड है। तो ये डिफरेंसेस थे HP Spectre एंड HP Envy के। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बीच में बोला ही कि दोनों ही लैपटॉप्स के बाय करने के लिंक जो कि बेस्ट प्राइस में आप बाय कर सकते हो फ्रॉम Amazon लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ये चैनल को तो हेल्प करेगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा अगर आप ये लैपटॉप्स Amazon से बाय करते हो। तो विद दैट सेट दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आगे बीच टाइप की वीडियो देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ में कमेंट भी करना, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।